Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum I am Nimra Zafar This video is made by Law Mentoring Before watching the video it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely So let's move towards our today's topic Today we will discuss about Article 192 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 विच टेल्स अस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट आज हम आर्टिकल नंबर 192 पढ़ेंगे जिसमें हाई कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है और इसमें ये हम लोगों ने पढ़ना है कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कैसे होती है हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है ठीक है सबसे बात पहले तो हम लोग ये बात देखते हैं कि हर प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है फोर प्रोविंस हैं तो फोर प्रोविंस में हाई कोर्ट भी होगी उसके बाद एक हाई कोर्ट कैपिटल टेरिटरी में होगी इस्लामाबाद में होगी ठीक है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर होगी अब हम ये देखेंगे कि हाई कोर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें कौन कौन शामिल होता है तो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है ठीक है उसके अलावा दूसरे जजेस भी होते हैं अब इन जजेस को अपॉइंट कौन करता है ये होते हैं डिटर्मन बाई लॉ लॉ के थ्रू ये डिटरमाइन होते हैं उसके बाद अंटिल सो डिटरमाइन और जब तक ये डिटरमिन नहीं होते तब तब तक के लिए जो है प्रेजिडेंट को फिक्स करेगा तो पहली क्लॉज में हमने क्या पढ़ा कि चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं जो डिटर्मिन बाय लॉ होते हैं ठीक है ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लॉज नंबर वन में उसके बाद हम लोग क्लॉज टू में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो था ना वो सिंध और बलूचिस्तान की एक कॉमन हाई कोर्ट होती थी मतलब सिंध के लिए भी वही हाई कोर्ट और बलूचिस्तान के लिए भी वही हाई कोर्ट लेकिन अब क्या है कि सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो सीज टू फंक्शन एज कॉमन हाई कोर्ट कि अब वो कॉमन हाई कोर्ट जो है उनकी अब एक हाई कोर्ट नहीं होगी अलग अलग होंगी मतलब सिंध में अपनी अलग हाई कोर्ट होगी और बलूचिस्तान में अलग से हाई कोर्ट होगी अब वो कॉमन हाई कोर्ट के तौर पर फंक्शन नहीं करेगी क्लॉज थ्री में कहते हैं कि अब प्रेजिडेंट क्या करेगा प्रेजिडेंट अपने प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बाय हिज ऑर्डर एस्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान वो क्या करेगा सिंध में अलग और बलोचिस्तान में अलग से हाई कोर्ट इस्टैब्लिश करवाएगा उसके बाद मेक प्रोविजंस फॉर द प्रिंसिपल सीट ऑफ द टू कोर्ट्स वो टू हाई कोर्ट्स की प्रिंसिपल सीट मतलब कि हर प्रोविंस में जो हाई कोर्ट होगी ना सिंध और बलूचिस्तान में वो उसकी प्रिंसिपल सीट होगी तो उसके लिए वो प्रोविजंस भी न्यू बना सकता है उसके अलावा क्या करेगा ट्रांसफर ऑफ जजिज ऑफ कॉमन हाई कोर्ट पहले हाई कोर्ट कॉमन होती थी सिंध की भी बलूचिस्तान की भी एक हाई कोर्ट होती थी अब जब हाई कोर्ट सेपरेट हो गई हैं सिंध में अलग और बलूचिस्तान में अलग तो प्रजिडेंट क्या करेगा वहाँ उस कॉमन हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कराएगा जजेस का कि कौन से जजेस जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे और कौन से जजेस हाई हाईकोर्ट में जाएंगे उसके बाद क्या होगा ट्रांसफ़र ऑफ केसेस पेंडिंग जो कॉमन हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग थे वो प्रेसिडेंट फिर ये बताएगा कि कौन से केसेस जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के पास जाएंगे कौन से केसेस को सिंध हाई कोर्ट जो है वो डील करेगा और कौन से केसेस को हाई कोर्ट डील करेगी उसके अलावा जो दूसरे अदर मैटर्स होते हैं उसका भी फैसला कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा थ्रू हिज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसके बाद हम लोग फिफ्थ क्लॉज देखते हैं फिफ्थ क्लॉज में यह बताया हुआ है जूरिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट की जूरिस्टिक्शन कहाँ तक होगी जूरिस्ट्रिक्शन हम कहते हैं दायरा इख्तियार को कि कौन कौन से इख्तियार हाई कोर्ट को दिए हुए हैं तो हाई कोर्ट की जूरिस्टिक्शन उसका इख्तियार कहाँ तक होगा मे बी एक्सटेंडेड उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मतलब कोर्ट का इख्तियार वैसे तो अपने प्रोविंस में होता है ना हर प्रोविंस की अपनी अलग कोर्ट होती है तो यहाँ पर एक्ट ऑफ मजलिस शुरा के थ्रू उसकी जूरिस्डिक्शन को भी इंक्रीज किया जा सकता है उसके प्रोविंस से मतलब कि एक्ट ऑफ मजलिस शुरा के थ्रू ये भी जो है उसकी ज़ुरस्डिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ तक और भी हाई कोर्ट जो है वो बनानी है या फिर उसकी ज्यूरसडिक्शन को कहाँ तक एक्सटेंड करना है तो ये था आर्टिकल नंबर 192 अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 193 नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 193, 192 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है कैसे बनती है ठीक है आर्टिकल नंबर 193 में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होती है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं ठीक है थीके? तो क्लॉज वन हमें ये बताती है कि जो चीफ जस्टिस होता है यहां पर सी जे मीन्स चीफ जस्टिस जो होता है और जो बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है और कैसे अपॉइंट करता है सॉरी <coughs> उनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल नंबर 175 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक है मतलब 175 ए आर्टिकल जो है उसमें बताया हुआ है कि जो जजेज uh, होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा और किसके अकॉर्डिंग करेगा आर्टिकल नंबर वन ए के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इज़ क्लॉज नंबर टू क्लॉज नंबर टू कहती है ये हमें बताती है टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो जजेस को अपॉइंट किया जाता है कि जज होने के लिए हाई कोर्ट का जज होने के लिए सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए उसके बाद मिनिमम एज जो है आपकी वो फोर्टी फाइव ईयर्स होनी चाहिए ठीक है तब आप एलिजिबल होते हैं उसके अलावा ठीक है अब उसके बाद टेन ईयर्स आप एडवोकेट हों कोर्ट के ठीक है आपने हाई कोर्ट में टेन ईयर्स प्रैक्टिस की हो तब भी आप एलिजिबल होते हैं कोर्ट का जज बनने के लिए ठीक है उसके अलावा मतलब यहाँ पर आप और लगाएं या फिर उसके अलावा टेन ईयर्स सिविल सर्विस में आप रहे हों टेन ईयर्स आप लोग आपने वहाँ सर्व किया हो उसके साथ साथ थ्री ईयर्स आप डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों पाकिस्तान में ठीक है मतलब ये दोनों कंडीशंस एक साथ आ रही हैं यहाँ पर ठीक है ये इसके अलावा है और अगर ये भी नहीं तो आप टेन ईयर्स जो है आपने कोई जुडिशल ऑफिस जो है वो होल्ड किया हो पाकिस्तान में ये तीन इसकी कंडीशन है इनमें से कोई एक भी होगी इसके साथ मतलब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और 45 इयर्स आपकी मिनिमम एज होना तो ये तो हर केस में ज़रूरी है लेकिन उसके अलावा जो है वो इन थ्री केस में से कंडीशन में से एक भी होगी तो आप एलिजिबल होंगे अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं जुडिशल ऑफिस की कि जब हमने वो जो टाइम पीरियड है जो हमने काउंट करना है जुडिशल ऑफिस के लिए थ्री इयर्स के टेन इयर्स के लिए सॉरी आपने जुडिशल ऑफिस का टाइम पीरियड जो है वो काउंट करना है तो उस टाइम पीरियड को काउंट करते हुए मतलब एक एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट है और जुडिशल ऑफिस उसने होल्ड किया है ठीक है इस पीरियड में इंक्लूड करेंगे वो वाला पीरियड भी जब वो एडवोकेट बनने से पहले जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर चुका हो या फिर एडवोकेट बनने के बाद मतलब एडवोकेसी उसने ख़त्म कर दी उसके बाद उसने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है तो ये टाइम पीरियड भी उसमें इंक्लूड होगा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 194 नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 194 व्हिच एक्सप्लेन्स अबाउट द ओथ ऑफ ऑफिस तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो हलफ किसके सामने उठाएंगे तो जो एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो उस प्रोविंस के गवर्नर के सामने हलफ उठाएगा मतलब हर प्रोविंस की अपनी हाई कोर्ट है तो जिस प्रोविंस की हाई कोर्ट होगी उस प्रोविंस की हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसी प्रोविंस के अपने प्रोविंस के गवर्नर के सामने हल्फ उठाएगा उसके अलावा जो दूसरे जजेज होंगे वो इसी चीफ जस्टिस के सामने हलफ उठाएंगे मतलब चीफ जस्टिस गवर्नर के, के सामने और बाकी जजेस चीफ जस्टिस के सामने नेक्स्ट इसमें एक उन्होंने प्रोवाइजो बताई हुई ये एक एक्सेप्शन है कि ये तो थी बात चार सूबों की अब एक हाईकोर्ट जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी है तो उसके केस में क्या होगा कि चीफ़ जस्टिस जो इस्लामाबाद कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो हलफ उठाएगा प्रेसिडेंट के सामने क्योंकि इस्लामाबाद का कोई गवर्नर तो है नहीं क्योंकि वो एक प्रोविंस नहीं है ठीक है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसमें भी एक कोर्ट है तो उस का जो कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो प्रेजिडेंट के सामने हल्फ़ उठाएगा और जो बाकी हाई उस हाईकोर्ट के बाकी जजेज़ होंगे वो जो पहले हमने जैसे पढ़ा है बाकी जजेस चीफ जस्टिस के सामने हल्फ़ उठाएँगे उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 195 नाइनटी फाइव विच इज अबाउट द रिटायरिंग एज ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी रिटायरिंग एज क्या होगी किस एज में वो रिटायर होंगे तो उनकी रिटायरिंग एज जो है वो सिक्सटी टू है ठीक है ये सिक्सटी टू ईयर्स है सोनर ही रिज़ाइन कि इससे पहले वो रिज़ाइन भी कर सकता है और रिमूव्ड uh, उसे रिमूव भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसे रिमूव भी किया जा सकता है सिक्सटी टू ईयर्स की एज से पहले या फिर वो रिज़ाइन भी कर सकता है ठीक है अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर सिक्सटी टू ईयर्स उसकी जो है वो रिटायरिंग एज होगी उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर वन सिक्स पे एक्टिंग चीफ जस्टिस अब इसमें क्या बताया है? कि एनी टाइम वैन ऐसा कोई वक्त जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वेकेंट एक हाई कोर्ट है कोई भी हाई कोर्ट है किसी भी प्रोविंस की जब उस हाई कोर्ट का ऑफिस जो है वो वेकेंट होगा खाली होगा या फिर उसका चीफ जस्टिस इज एबसेंट चीफ जस्टिस एबसेंट है या फिर और अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस ठीक है या फिर वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू एनी अदर रीज़न किसी भी वजह से तो फिर क्या होगा उसकी जगह पर कौन काम करेगा तो फिर प्रेसिडेंट जो होगा वो अपॉइंट करेगा उसी हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस होंगे उनमें से किसी एक को वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ डैट हाई कोर्ट और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम जस्टिस ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे उनमें से किसी एक को रिक्वेस्ट करेगा कि वो उस हाई कोर्ट के जो चीफ uh, जस्टिस है जो कि एबसेंट है उसकी जगह पर आकर काम करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब ऑफिस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का वेकेंट होगा या फिर वो एब्सेंट होगा किसी वजह से तो उसकी जगह पर प्रेसिडेंट जो होगा उसी हाई कोर्ट के बाकी दीगर जजेज में से किसी एक को भी अपॉइंट कर सकता है अगर नहीं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उस चीफ जस्टिस हाँ की जगह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह जो कि एबसेंट है उसकी जगह पर आकर काम करें और ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दें तो ये था आर्टिकल नंबर वन तक एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टू डे लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू सो मच